हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हम जा रहे हैं। और ये नया टॉपिक जो है वो बेसिकली हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर से है और हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखिए, वैसे तो बेसिकली तीन तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमें पढ़ने हैं, जो कि है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। लेकिन और भी अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब नीट के पर्पज़ से हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो चाहे वो लेस इम्पॉर्टेंट हो। तो यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड के अलावा भी जो कुछ अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे और उनके भी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली तीन तरह के हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पढ़ना है। उससे पहले कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा, वेदर इट इज़ अमोनिया, वेदर इट इज़ यूरिया और यूरिक एसिड, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिमूवल में उतना ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी होगी। जो कम टॉक्सिक होगा उसके लिए कम वाटर चाहिए, जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसके लिए ज़्यादा वाटर चाहिए रिमूवल करने के लिए। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, और अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, तो एक पता लग गया अमोनिया क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये क्या है, मोस्ट टॉक्सिक। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। तो इसके देखिए एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा टैडपोल लार्वा, फिर आ जाएगा अक्वेटिक इंसेक्ट्स, फिर आ जाएगा टेप वर्म, फिर आ जाएगा अक्वेटिक एम्फीबिया। अब देखिए, एम्फीबिया जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं। तो बेसिकली हम अक्वेटिक एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे अमोनो टेलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अमोनिया रिलीज करते हैं। उसी के बाद और एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा, जैसे कि अमीबा, स्पॉन्जेस और प्रॉन्स, एस्केरिस, फ्रेश वाटर फिशेस और क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कोई एग्जांपल दे सकता है तो यही दे सकता है। एनसीईआरटी में तो खैर इतने नहीं दिए, लेकिन उसके बाहर भी अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, TATA यानी कि टाटा, हम जानते हैं टाटा एक कार बनाने की कंपनी है, तो टाटा। अब HAS हैज, टाटा हैज। अब देखिए यहाँ पे P है, तो P से मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड, A है तो A ही है, फ्रेश इसको हम ऐसे ले लेंगे फ्रेश फ्रेश, और फिर C है तो उसके लिए हो जाएगा कार। यानी इसका ट्रिक हो गया याद करने का, टाटा हैज प्रोड्यूस्ड अ फ्रेश कार, टाटा ने एक नई नई कार अभी अभी प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये सारे एग्जांपल्स याद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अमोनिया के बाद जो अपना दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है
वो है यूरिया। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं अपने, पहले तो हम खुद हैं तो मैन। अब देखिए मैन कहने मतलब ह्यूमन बींग्स सही है, ठीक है ना, चलिए मैन। इसके अलावा रेप्टाइल्स, इसके अलावा फ्रॉग, और हो सकता है टर्टल, मैरीन वाटर फिशेस। अब देखिए यूरिया में मैरीन वाटर है, अभी हम लोगों ने तुरंत अमोनिया में फ्रेश वाटर फिश देखा था, उसी की तरह बताइए कि जब हम लोग यूरिया देख अमोनिया देख रहे थे तो वहाँ पे एक्वेटिक एम्फीबियन की बात की थी हमने। मैंने बताया था ना एम्फीबिया दो तरह के होते हैं, जो एक्वेटिक हैं वो कैसे हैं अमोनोटेलिक, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हैं वो कैसे हो जाएंगे यूरियोटेलिक, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल होगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल है जो हमें यूरिया प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। इसके बाहर आपको नीट से नहीं पूछेगा, इतने से ही एग्जांपल यूरियोटेलिक के पूछे जाते हैं। जो तीसरा अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करता है उसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो देखिए यूरिक एसिड है तो यूरिक के आगे सिर्फ जीरो लगा दीजिए आप तो यूरिको हो जाएगा, तो यूरिकोटेलिक हो गया, और यूरिया में यूरियोटेलिक हो गया। ठीक है, प्रोनंसिएशन से आप याद कर सकते हैं। इसके देखिए एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आपके बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, और एग्जांपल अगर हम कहें तो इसके रेप्टाइल्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, स्नेक्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो बस एक दो पॉइंट जो हमें याद रखना है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है वो ये है कि अमोनिया और यूरिक एसिड, इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा एसिडिक है या कहें कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जनरली नाम से तो लगता है कि ये एसिड है तो यही ज़्यादा टॉक्सिक होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो अमोनिया है वो ज़्यादा टॉक्सिक है और जो यूरिक एसिड है ये लेस टॉक्सिक है। लेस क्या, इसको आप लीस्ट टॉक्सिक ही मानिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉक्सिक यूरिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ तीन आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया को रिलीज़ करने वाले अमोनोटेलिक हैं, यूरिया को रिलीज़ करने वाले यूरिकोटेलिक हैं, और यूरिया रिलीज करने यूरियोटेलिक हैं, और यूरिक एसिड रिलीज करने वाले यूरिकोटेलिक। अमोनिया अमोनोटेलिक, यूरिया यूरियोटेलिक, एंड यूरिक एसिड इज यूरिकोटेलिक। ठीक है, थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन होता है आपको, लेकिन बार बार आप उसे याद करेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को भी याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखिए अमोनिया का था, इसी वजह से वहाँ पे आपको एक ट्रिक भी दे दिया गया। बाकी तो पांच पांच चार चार एग्जाम्पल हैं, वो आपको आराम से याद कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, जैसे हिप्यूरिक एसिड मैमल्स में होता है, जो एलेंटोइन है वो आपके रेप्टाइल्स में होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बोलें तो जो एलेंटोइक एसिड है वो एम्ब्रियो ऑफ द बर्ड्स में होता है, ठीक है, और रेप्टाइल्स के भी एम्ब्रियो में होता है। इसके अलावा ऑर्निथिनिक एसिड ये बर्ड्स में होता है, ठीक है, और हो सकता है जैसे ग्वानीन जो कि स्पाइडर्स में होता है, ठीक है, एक होता है TMO ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड, TMO या TMAO कुछ भी आप कह सकते हैं, तो ये होता है आपके मरीन वाटर फिशेज में, ठीक है। उसी तरह एक होता है आपका अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो है वो आपका लिमनिया में है, उरियो में है, ठीक, उनियो, लिमनिया उनियो, ठीक है,
तो ये देखिए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि ये भी और तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और किन में होते हैं उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। उनको बहुत ज़्यादा लिख के याद करने की ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है, बस चूँकि अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कोई भी, चाहे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चाहे वो कम इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, उसे हम याद रखेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप कोशिश करें कि पहले जो ये तीन है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसे याद करें, क्योंकि इसी से जनरली क्वेश्चन आता है। बाकी जितने एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड, प्यूरिक एसिड, ग्वानिन, TMO, ऑर्निथिनिक एसिड, एम्यूनो एसिड, इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप इनको पहले याद करें, ये याद हो जाए तो उनको याद करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो।